ब्रॉट टू यू बाय सेंसोडेंट के। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। साल 1997 में परदेस नाम की फिल्म रिलीज हुई थी। इसे इंडियन सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। उससे पहले घई हीरो, खलनायक, रामलखन और सौदागर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके थे। देश का हर बड़ा स्टार उनके साथ काम करना चाहता था। इसमें सलमान खान का नाम भी शामिल है, मगर अपनी अगली फिल्म परदेस के लिए सुभाष घई ने शाहरुख खान को चुना। सलमान शाहरुख की फिल्म में भी एक छोटा रोल करने को तैयार थे, क्योंकि वो घई के साथ काम करना चाहते थे। हाल ही में एक इंटरव्यू मैं सुभाष घई ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि सलमान परदेस में वो रोल करना चाहते थे जो अपूर्वा अग्निहोत्री ने किया था। पिछले साल सुभाष घई ने परदेस की कास्टिंग को लेकर एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू की एक क्लिप आजकल सोशल मीडिया पर काफी चल रही है। ये क्लिप शाहरुख खान फैंस ढूंढ कर लाए हैं। इसे ये कहकर फैलाया जा रहा है कि शाहरुख खान की फिल्म में सलमान खान सपोर्टिंग रोल करने को भी तैयार थे, मगर सलमान वो फिल्म घई की वजह से करना चाहते थे। खैर, इस इंटरव्यू में सुभाष घई कहते हैं, कैरेक्टर जितना खूबसूरत होगा, मैचिंग होगा, फिल्म उतनी ही बड़ी हिट होगी। इसलिए आज 25 साल के बाद भी आप परदेस की बात कर रहे हैं। तीसरा कैरेक्टर था फिल्म में राजीव का। राजीव का कैरेक्टर जो अपूर्व अग्निहोत्री ने किया। उस वक्त सलमान साहब की बड़ी इच्छा थी कि वो मेरे साथ काम करें, लेकिन मैंने बोला नहीं। आप देखते हैं प्रोजेक्ट में, देखता हूँ कैरेक्टर, किरदार में कौन फिट होगा, ये बहुत ज़रूरी है। उस किरदार में ऐसा लड़का चाहिए जो अमेरिकन स्टाइल से बात करे, अमेरिकन स्टाइल की बॉडी लैंग्वेज हो, वैसा एक्सेंट हो। तो जब अपूर्व अग्निहोत्री मुझे मिला तो मुझे लगा कि ये लड़का करेक्ट है, क्योंकि उसका फेस और बॉडी लैंग्वेज एकदम करेक्ट थी। मेरे कैरेक्टर्स मेरी कास्टिंग से कनेक्ट होने चाहिए। इन तीनों मेन कैरेक्टर के अंदर बहुत बड़ा झगड़ा था, लेकिन इस फिल्म ने साबित किया कि अगर राइटर डायरेक्टर अपनी बात पर टिका रहता है, उस हिसाब से कास्टिंग करता है, वो फिल्म हमेशा क्लासिक बनती है। परदेस में सुभाष घई AR रहमान का म्यूजिक चाहते थे, मगर बात नहीं बनी। इसके बाद नदीम श्रवण की जोड़ी को फिल्म से जोड़ा गया। परदेस के लिए उनके बनाए गाने खूब पसंद किए गए और आज तक बड़े चाव से सुने जाते हैं। परदेस से पहले 1997 में शाहरुख खान ने दो फिल्मों में काम किया था, कोयला और यस बॉस, एक हिट एक फ्लॉप। परदेस उस साल शाहरुख की तीसरी फिल्म थी। वहीं सलमान खान ने 1997 में प्यार किया तो डरना क्या और जब प्यार किसी से होता है जैसी बैक टू बैक हिट फिल्में दी थी, मगर फिर भी वो सुभाष घई के साथ काम करना चाहते थे। हालांकि तब ये संभव नहीं हो सका। उसके कुछ सालों बाद सलमान और सुभाष घई के बीच बड़ा झगड़ा हो गया, संबंध खराब हो गए। फाइनली दोनों 2007 में युवराज नाम की फिल्म पर साथ आए। सुभाष घई ने इस फिल्म के लिए AR रहमान को मना लिया। फिल्म के गाने चार्ट बस्टर साबित हुए, मगर पिक्चर बुरी पिटी। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथ की अविनाश ने। आपने अगर परदेस देखी है, आपको वो कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।